और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश से दिल्ली को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये परेशानी का सबब है। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की स्थिति अब उत्पन्न हो गई है। कई घंटों की बारिश, क्योंकि लगातार 1 से 2 घंटे हो चुके हैं और बारिश अभी भी तेज हो रही है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। ऐसे में स्थिति हो गई है कि इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। उधर यमुना और हिंडन का नदी का जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है। ऐसे में अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर के इलाके की, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस व्यक्ति का ऑटो बीच रास्ते में बंद हो जाता है, पानी भर चुका है, अंडर पासेस में पानी भर गया है। सेक्टर 62 नोएडा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वाटर लॉगिंग हो चुकी है। ये मुख्य रास्ता है, जब आप बढ़ेंगे कालनी कुंज की तरफ, जब आप बढ़ेंगे फिल्म सिटी की तरफ, जब आप बढ़ेंगे डीएलएफ की तरफ, देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। और 62 ये दिल्ली नोएडा का 62 इलाका जहां पानी भर चुका है। ऐसे में अंडरपास में भी पानी भरा है, यानी कि आज जो है अगर आप दफ्तर के लिए निकलेंगे तो आपको ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो जाइए। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, अभी भी कुछ इलाके हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे पूरी की पूरी स्कूटी डूब चुकी है, वहां गाड़ी खड़ी है वो भी डूब गई है, वो बाइक खड़ी है वो भी डूब गई है। तीन तस्वीरें, पहली तस्वीर जगह जगह पानी भर चुका है, दूसरी तस्वीर पानी में सड़कें डूब चुकी हैं, तीसरी तस्वीर, और ये जो सड़कें डूबी हैं इससे स्थिति तीसरी वाली पैदा होती है। लोग इस तरीके से समस्याओं से दो चार होते हैं, किसी की स्कूटी नहीं चलती है, किसी की गाड़ी नहीं चलती है, कोई अपने दफ्तर समय पर नहीं पहुंचता है, कोई स्कूल समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। ये स्थिति है दिल्ली एनसीआर में, 1 से 2 घंटे की बारिश, उसके बाद स्थिति ऐसी कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये व्यक्ति स्कूटी चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन स्कूटी नहीं चल पा रही है, गाड़ियों में पानी भर जाता है। उधर आप देखिए कि हिंडन और यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। हिंडन नदी का जलस्तर तो इस कदर बढ़ा कि जितने निचले इलाके पानी भर चुका है। ये तस्वीर आप देखिए, ये नोएडा की तस्वीर है, सेक्टर 62 से भी हमारे पास तस्वीरें आई, वो भी हमने आपको दिखाई। देखिए इस व्यक्ति की गाड़ी पूरी की पूरी तरह से उस सड़क पर गिर जाती है क्योंकि पानी भर चुका है। पहली नजर में देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये वाटर लॉगिंग वाला पानी है, इस तरीके से तेज बहाव इस पानी में आपको दिखाई देगा। इजराइल में न्यायिक सुधार बिल के पास होने के बाद वहां कोई भी अदालत, सरकार या किसी भी मंत्री की तरफ से जारी आदेश पर रोक नहीं लगा सकेगी, और इसी कानून ने लोगों में इतना गुस्सा भर दिया है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिसकी सबसे भयानक तस्वीरें तेल अवीव से सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। वहां के एक इलाके में इजराइल का झंडा लिए जब एक आदमी अपना विरोध जताने लगा तो पुलिस ने उस पर पानी की ऐसी बौछार की कि वो गेंद की तरह घूमते हुए पीछे जमीन पर गिर गया। इसी तरह एक दूसरे इलाके में कई लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार पर भड़के लोग वहां से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सड़कों पर लगे कई बैरिकेड तोड़ दिए। बेनियामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस के जवान दीवार बनकर खड़े हो गए ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सकें।